तो गाइज़ अगर आप लोग ये सोच के ऐप लॉगिन को ज्वाइन करते हो कि यहाँ पे सिर्फ $25 पे ही पेमेंट मिल जाता है और $20 पे ही पेमेंट मिल जाता है, यानी कि सिर्फ $20 पे आप लोग अपना पेमेंट निकाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने पेपाल अकाउंट में, ठीक है, तो फिर आप लोग ऐप लॉगिन मत ज्वाइन करो, क्योंकि आपको बहुत सारी बात नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब हर एक ऐड नेटवर्क का कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, दोनों को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके ही अर्निंग में, ठीक है। देखिए, ऐप लॉगिन में आप $25 पे ले सकते हो पेमेंट, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना जल्दी आपका पेमेंट निकल जाए वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। और बहुत लोग तो सेल्फ क्लिकिंग करते हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि $5 वाला ही कोई अकाउंट में दे दो हमको, मतलब कोई ऐसा नेटवर्क जहाँ पे सिर्फ $5 पे ही पेमेंट निकले, बट भाई ऐसा नहीं होता रियलिटी में। देखिए, यूनिटी हो गया, एडमॉब हो गया, फिर से मतलब बहुत सारे जो ऐड नेटवर्क है वो $100 पे अधिकतर रखते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत अलग अलग बातें होती है, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट ऐप लॉगिन में सिर्फ अगर आप लोग सोचते हो कि $25 पे पेमेंट मिल रहा है इसीलिए ज्वाइन करना है, तो मत करो, ठीक है। ECPM यहाँ पे आपको काफ़ी द फ्लक्चुएटिंग मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू यूनिटी एड्स, चाहे आप ऑडियंस नेटवर्क अप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ फंडिंग यूज़ कर रहे हो, दोनों में आपको ECPM में कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐप लॉगिन एक खराब एंड नेटवर्क है, ये आपका पेमेंट नहीं देगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सिंपल ये बात है कि आप लोग हर एक चीज़ ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट एंड नेटवर्क है, ठीक है। मैं खुद ऐप लॉगिन से $1900 ईजिली कमाया हूँ, ठीक है, और पहले ही बहुत सारे पेमेंट प्रूफ मैंने दिया हुआ है, क्योंकि देखिए वो सब बताने वाली ये बात नहीं, क्योंकि आपका अर्निंग होना चाहिए रियलिटी में। अगर आपका अर्निंग हो रहा है तभी आप मानोगे कि वो एड नेटवर्क बेस्ट है, ठीक है। ऐप लॉगिन अच्छा एड नेटवर्क है, नो डाउट, बट यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि ECPM काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। अगर आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कभी कभी आपको कम देखने को मिलेगा, आप USA सर्वर यूज़ कर रहे हो तब भी, आप हाई क्वालिटी का सर्वर यूज़ कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे ECPM कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा, देखिए यहाँ पे अकाउंट बनाने का भी कुछ लिमिट और प्रोसेस दिया रहता है, ठीक है। बहुत लोग के साथ दिक्कत होता है कि वो अकाउंट ही नहीं बना पाते। देखिए, अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा से नॉलेज लोग को है भी नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत आसान है, बट जो लोग बिल्कुल नया है तो उनको पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप VPN यूज़ करके कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कत भी आ सकता है आपके अकाउंट में, ठीक है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? बहुत सारे लोगों ने ये भी फेस किया है कि यहाँ पे अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिवाइस में मतलब लिमिटेड अकाउंट ही बना सकते हो, क्योंकि देखिए मैं खुद ट्राई किया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। अब बहुत लोग के लिए बहुत अच्छा है नेटवर्क, बहुत लोग के लिए खराब, बहुत लोग के लिए यूनिटी अच्छा, बहुत लोग के लिए खराब, बहुत लोग के लिए एडमॉब अच्छा, बहुत लोग के लिए खराब, ठीक है। तो वो चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका यूज़ कर रहे हो, क्या वो आपको एप्लीकेशन को और अच्छा से मतलब इन्हेंस करके कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी एक शॉर्ट वीडियो थी जिससे आप लोग समझ पाओ कि ऐप लॉगिन अगर आप लोग यूज़ करें तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान भी रखना चाहिए और ज्वाइन करने से पहले क्या जान लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई ऐप लॉगिन पे वीडियो बनाओ, ऐप लॉगिन का ऐप दो, ऐप लॉगिन का ECPM, ऐप लॉगिन का अर्निंग CTR, ये बहुत सारी बातें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप सब कुछ जानो, उसके बाद ही किसी चीज़ में अर्निंग करने आओ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय।